तो गाइस आज किस वीडियो में एक ऐसा फैन बनाने वाले हैं जिसमें पॉपुलर तो होगा बट कहाँ होगा ये पता नहीं चलेगा और कहाँ से हवा आया ये भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत ही यूनिक देखेगा। और तो गाइस यार वीडियो को अंत तक देखना, क्या है क्या बहुत ही अमेजिंग फैन है। तो यार वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब किया तो शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको एक पेंट का डिब्बा ले लेना है जो कि इस प्रकार से लेकर काट देना है। खराब डिब्बा लीजिएगा नहीं तो पिटाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको ले लेना है एक प्रोपुलर जो कि छोटा सा होना चाहिए और 12 वोल्ट का मोटर, और उस पर एक प्लास्टिक लेकर सेट कर लेना है। और इस प्रकार से हमें कट करके इसमें हमें सेट करना है जो कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कर एक कूट लेना है आपको फ्रेंड्स, और इसमें इस प्रकार से सेट कर देना। बहुत ही इजी सब काम है, आप घर पर आसानी से इसे बना सकते हो और प्रोजेक्ट में स्कूल में भी दे सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार से सार देना, कहीं से हवा निकले ना। और उसके बाद थोड़ा डिजाइन देकर हमने इस प्रकार से मोड़कर थोड़ा किनारे किनारे अच्छी सार दिया। और इसमें हमको एक लाइट भी लगाना है थोड़ा यूनिक दिखने के लिए ताकि रात को अच्छा दिखे। यहाँ पर देख सकते हो कि सब कनेक्शन ला के हमने इसमें बैटरी जोड़ के देख सकते हैं कितना अच्छा लाइट कर रहा है। उसके बाद किनारे किनारे हम थोड़ा ब्लैक चिपका देंगे थोड़ा अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर हमारे चैनल को लोगो तो चलिए बन देख सकते हो कि हमारा जो फैन है बन कर रेडी है। इसको चेक भी हम करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है, दिखने में लग रहा है कि वो कुछ यूनिक सा दिख रहा है ना। यहाँ पर आप हो सके तो इसे कलर भी कर सकते हो या पेपर भी साट सकते हो। यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ एक तरह से स्टैंड है। आपको इसके अंदर पंखा नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसको पॉपुलर अंदर रखा हुआ है ना। ये नीचे से हवा देगा तो इसमें रिटर्न होकर चारों तरफ से हवा देगा। आप हो सके तो पीछे से इसे बंद भी कर लीजिएगा ताकि आगे हवा ज़्यादा दे। ऐसे नहीं तो ऐसे दोनों तरफ आदमी बैठकर हवा का इंजॉय ले सकते, इसे बीच में रख दीजिएगा ना कहीं टेबल सब पे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसमें हमने एक लाइट भी लगाया है जो कि थोड़ा अंधेरा में बहुत ही चाहिए में भी यूनिक लगेगा। देखिए अभी इतना लाइट में अभी इतना अच्छा काफ़ी लाइट कर रहा है तो बहुत ही यूनिक देखा। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा वर्क करता है। और इसमें आपको 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए जो कि आप देख सकते हैं हमने ये तार निकाल लिया है। इसमें हम 12 वोल्ट का मोटर लगाए हैं, थोड़ा स्पीड से लगा ज़्यादा हवा देगा। तो चलिए चेक करते हैं नीचे देख के जुड़ा दबा दीजिए। तो गाइस कितना अच्छा दिखने में लग रहा है तो चलिए इसे चेक करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा पंखा 12 वोल्ट का सप्लाई से ऑन है और चल रहा है, हवा भी दे रहा है। देख सकते हैं पीछे से लाइट भी जल रहा है और आगे हवा दे रहा है तो काफ़ी अच्छा हवा दे रहा है। इतना में एकदम आप ठंडा जाइएगा और देख सकते हो ना ये हवा काफ़ी अच्छा दे रहा है फ्रेंड्स। हमने आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से एकदम आगे की ओर भीग रहा है। ये मेरे कागज़ है तो बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, आप घर पर बना सकते हो इजीली या स्कूल में देने के लिए हुआ तो बहुत ही देखने में अच्छा लगा कि अरे यार पंखा तो है नहीं लेकिन हवा कहाँ से आ रहा है। तो राज तो अंदर छुपा हुआ है इस स्टैंड के अंदर है ना। तो चलिए आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। ज़रा से भी अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट।